नमस्कार दोस्तों, जेईई एडवांस के इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के दो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है वो आप ध्यान से देखिए। ए थिन इंसुलेटेड वायर इज स्ट्रेच्ड अलोंग द डायमीटर ऑफ एन इंसुलेटेड सर्कुलर हुप ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ये सर्कुलर हुप है और ये वायर है रेडियस कैपिटल आर है। ए स्मॉल बीड ऑफ मास स्मॉल एम एंड चार्ज माइनस क्यू इज थ्रेडेड ऑन टू द वायर एट सेंटर। ये जो बीड है एम मास की और माइनस क्यू चार्ज है इसका, इस बीड को सेंटर पे यहां पे जो है थ्रेड किया गया है, इस वायर के अंदर इसको पहना दिया गया है। तो अब कह रहा है कि ऑन टू द वायर कह रहा है कि टू आइडेंटिकल चार्जेस ईच कैपिटल क्यू आर टाइट टू द हुप एट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। कहने का मतलब यह है कि ये सर्कुलर हुप है, ये वायर है, ये जो बीड है यहां पे इस तरह से वायर के अंदर पहना दी गई है सेंटर पे, और दो चार्जेस ऐसे रख दिए गए हैं कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू। अब कह रहा है कि अगर ये जो बीड है, ये जो बीड यहां पे इसको डिस्प्लेस किया गया इस तरफ एक्स नॉट डिस्टेंस से, इसको डिस्प्लेस करके यहां से यहां ले गए और छोड़ दिया, डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया, तो ये बीड जो है एसएचएम करने लगती है। पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे और फिर ये जो एसएचएम है इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, जब हम इस बीड को यहां से यहां लेके जाएंगे, इस बीड पे माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू चार्ज पे इस प्लस क्यू चार्ज का अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन का फोर्स इधर होगा, और इस माइनस क्यू पे इस प्लस क्यू की वजह से अट्रैक्शन का फोर्स इधर होगा। अब अगर हम इस फोर्स, ये एंगल थीटा ले लें, इस फोर्स का ये कॉम्पोनेंट देखें तो एफ कॉस थीटा होगा, ये कॉम्पोनेंट देखें तो एफ साइन थीटा होगा। अब इसी तरह से इस वाले फोर्स का ये एंगल थीटा है, ये कॉम्पोनेंट एफ कॉस थीटा, ये कॉम्पोनेंट एफ साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा कॉम्पोनेंट कैंसिल हो गया। तो अब इस केस में अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन, जब ये बीड यहां पे हम रिलीज कर रहे हैं तो ये बीड इस पर लगने वाले रिस्टोरिंग फोर्स जो है, जो इस बीड को सेंटर की तरफ रिस्टोर करेगा, वो फोर्स 2f cos थीटा होगा, यानी माइनस 2f cos थीटा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा माइनस 2f cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट जो है इधर दिया, नेट फोर्स इधर लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स ये हो गया माइनस 2f cos थीटा। इस वाले चार्ज पर, इस वाले चार्ज का फोर्स कितना है, ये रेडियस r है, ये x नॉट है, तो ये हो जाएगा, ये साइड हो जाएगी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x नॉट स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज जो होगा। तो इस चार्ज पर इसका फोर्स हो जाएगा स्मॉल के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और यहां पे कॉस थीटा है तो इस ट्रायंगल में कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एक्स नॉट बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर। अब यहां पे एक कंडीशन होल्ड करानी है हमें, डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है इन कंपैरिजन टू रेडियस, एक्स नॉट इज वेरी लेस वेरी स्मॉल देन कैपिटल आर, तो उस पर्टिकुलर केस में एक्स नॉट स्क्वायर जीरो, एक्स नॉट स्क्वायर जीरो यानी निगलेक्ट कर दिया, तो आर स्क्वायर और यहां पे आर मल्टीप्लाई होकर के पावर आर पावर थ्री हो गया। एफ आर को हम लिख सकते हैं एम इन टू ए, एफ आर को हम लिख सकते हैं एम इन टू ए, तो ए आ जाएगा, एम नीचे चला गया, तो माइनस टू के क्यू क्यू बाई एम आर क्यू इंटू एक्स, और इसको ये जो है एक्सेलरेशन है, यहां से एक बात जो क्लियर है ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इसका मतलब एसएचएम है, एसएचएम है, तो एसएचएम के केस में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ये एक्सेलरेशन होता है। तो इस वैल्यू को इसके बराबर कंपेयर किया तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट, ये वैल्यू अंडर रूट में आ गई 2kqq/mrq, और ओमेगा 2π / t है तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π √mrq/2kqq। इस तरह से जो आंसर होगा इसका, इसका जो इस वाले पार्ट का जो आंसर होगा mrq / 2
KQQ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 था बच्चों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है, ए नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग हैज चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज, ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये सर्कुलर रिंग है, इधर वाला पोर्शन निगेटिवली चार्ज्ड है, इधर वाली रिंग जो है ये सेमी सर्कुलर रिंग जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव चार्ज दिया गया है। सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ये एंगल एजीमुथल एंगल, ये एंगल जो है थीटा दे रखा है और ये चार्ज डेंसिटी है। तो अब इस पर्टिकुलर केस में अगर हम एक स्मॉल एलिमेंट ये लें जिसका चार्ज डीक्यू लेंथ डीएल है, तो इस चार्ज डीक्यू की फील्ड इस पॉइंट पे जो होगी वो होगी स्मॉल के डीक्यू बाई आर स्क्वायर, डीक्यू बाई आर स्क्वायर, आर जो है डिस्टेंस है सेंटर से यानी रेडियस के बराबर है। अब ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी इस चार्ज की फील्ड इधर हो जाएगी डीई। इसी के जस्ट अपोजिट ये एलिमेंट लिया तो माइनस डीक्यू है, यहां माइनस डीक्यू चार्ज है, तो इस एलिमेंट की वजह से इस पे फोर्स, इस एलिमेंट पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी फील्ड इधर होगी और ये चार्ज चूंकि नेगेटिव है तो इसकी फील्ड चार्ज की तरफ यानी इधर ही होगी। तो यानी इस डायरेक्शन में नेट फील्ड हो जाएगी डी प्लस डी टू डीई। इसी तरह से हमने एक एलिमेंट ये और एक एलिमेंट ये लिया, पॉजिटिव एलिमेंट पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट की फील्ड इधर डीई है और निगेटिवली चार्ज एलिमेंट की फील्ड इधर डीई है, यानी टू डीई इधर हो गया। अब अगर इधर 2DE है, ये एंगल थीटा, तो 2DE का ये कंपोनेंट होगा 2DE cos थीटा, इधर कंपोनेंट होगा 2DE sin थीटा। इसी तरह से इसका होगा 2DE का इधर हो जाएगा 2DE cos थीटा, इधर हो जाएगा 2DE sin थीटा। 2DE sin थीटा कैंसिल हो गया, यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग नेट फील्ड जीरो हो गई। अब हम ध्यान से देखो बच्चों, जो चार्ज डेंसिटी दे रखा है वो लैम्डा नॉट कॉस थीटा दिया हुआ है। लैम्डा को हम डीक्यू बाई डीएल लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा नॉट कॉस थीटा, तो डीक्यू हो जाएगा लैम्डा नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा। आर डी थीटा कैसे आया, डीएल को हमने यहां देखिए, अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो डी थीटा होगा डीएल अपॉन कैपिटल आर, तो डी थीटा होगा डीएल अपॉन कैपिटल आर, तो डीएल होगा आर डी थीटा। तो डीएल, ये डीएल जो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा डीक्यू निकालते समय, उसकी जगह आर डी थीटा रख देंगे। अब ये वैल्यू डीक्यू की इसमें रख देंगे, इसमें रखेंगे तो डीई हो जाएगा स्मॉल के लैम्डा नॉट आर कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एक आर से आर कैंसिल हो गया। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस के लांग जो नेट फील्ड है वो इंटीग्रेशन 4DE cos थीटा है, 4DE cos थीटा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे रिंग की आ जाएगी फील्ड 4DE cos थीटा। y एक्सिस के अलावा फील्ड जीरो है क्योंकि कैंसिल हो गई, तो नेट फील्ड हो गई अंडर रूट ex स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर। ey की वैल्यू जीरो रख दिया तो ex के बराबर, ex को इंटीग्रेशन 4DE cos थीटा लिख दिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, DE की ये वाली वैल्यू जो है, DE की ये वैल्यू जो हमने निकाली है यहां से लैम्डा नॉट कॉस थीटा डी थीटा बाई आर के, ये डी की वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अब ये हो जाएगा, अगर ये वैल्यू हम यहां रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा नॉट के बाई आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा ये और कॉस थीटा ये मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और लिमिट 0 टू पाई बाई 2 होगी क्योंकि एक क्वाड्रेंट के लिए इस एलिमेंट के लिए ये क्वाड्रेंट कंसीडर करेंगे जो 0 से पाई बाई 2 होगा, और इसी तरह से हर क्वाड्रेंट का 0 से पाई बाई 2 होगा पूरी रिंग के लिए। तो 0 से पाई बाई 2 अगर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो उससे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4 लैम्डा नॉट के बाई 2 आर, ये 2 बाहर कर लिया हमने, और इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओपन किया तो इंटीग्रेशन 1 डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से पाई बाई 2, लिमिट 0 से पाई बाई 2,
थीटा इंटीग्रेशन डी थीटा थीटा हो गया और cos 2 थीटा में इंटीग्रेशन हो गया sin 2 थीटा अपॉन 2 0 टू पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2। तो अब ये हो जाएगा ये 2 फोर्स यहां कट गया तो ये 2 हो गया तो 2 लैम्डा नॉट के बाई आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो पाई बाय 2 माइनस 0 और यहां अपर लिमिट साइन पाई ये वैल्यू रखा तो साइन पाई की वैल्यू 0 और यहां 0 रखा तो 0 साइन ये वैल्यू पूरी 0 हो गई ये पाई बाय 2। इसको सॉल्व कर लिया के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको मालूम है सॉल्व करने पे ये आ गया पाई बाय 2 ये 2 से 2 कट गया यहां से सॉल्व करने पे लैम्डा नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये आंसर हो जाएगा यानी इसका आंसर जो होगा वो सेकेंड पार्ट सेकेंड ऑप्शन होगा। तो बच्चों इसको आप ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू बच्चों।